गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ एक ट्रांसलेशन का, बहुत ही अच्छा, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में रोज़ाना यूज करते हैं। तो आपको मैं 10 ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वह ट्रिक को आप याद रखिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ओके? तो उससे पहले आइए हम आपको लिए चलते हैं ये हमारा ई कॉमर्स जोन की दुनिया में, जहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन और आपको फिगर ऑफ स्पीच, अकाउंट, BMT और आपका इकोनॉमिक्स आपको मिलेगा। मोर देन 200 से ज़्यादा यहाँ वीडियोज है, सबका आप इंजॉय कर सकते हैं और क्वालिटी आप लर्न कर सकते हैं, ओके? तो चलिए बिना लेट किए, जैसे टॉपिक का नाम है चैप्टर 7, इससे पहले आप चैप्टर 1 से लेके 6 तक देख लेंगे। चैप्टर 7 है, टॉपिक है ट्रांसलेशन मेड इजी। मैं एक सीरीज चला रहा हूँ और मैं आपसे वादा किया हूँ, आप देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। काइंडली इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये आपका बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए, उपवाक्य प्रश्न शब्द के साथ रहेगा, यह करता रहेगा, उसके बाद क्रिया रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, यह का हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, इसे पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए, नाउन क्लाउज रहेगा एज ए सब्जेक्ट। याद रखिएगा, नाउन क्लाउज, जब मैं आपको क्लाउज चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, नाउन क्लाउज का जो फंक्शन होता है ना, वो एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, प्रीपोजिशन, अपोजिशन, ये 5 होते हैं। तो सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट होता है, वो मैं आप आज को यहाँ पर ले रहा हूँ। नाउन क्लाउज से क्या मतलब समझे, कि जब कोई सेंटेंस में 2 क्लाउज होते हैं, एक मेन क्लाउज होते हैं, एक सबोर्डिनेट क्लाउज होते हैं, ओके? तो सबोर्डिनेट क्लाउज बाद में बन जाता है नाउन क्लाउज। तो ये आपको अभी नाउन क्लाउज देखना है, और हु माने जितने भी सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़े रहेंगे वो नाउन क्लाउज कहलाएंगे, प्लस वर्ब होगा, वर्ब में इज या वॉज होगा और अदर वर्ड्स होगा, ओके? नाउ सी, वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, और इस तरह का सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ओके? तो उम्मीद करते हैं आज से गलती नहीं होगा। देखिए, वह कहाँ रहती है, याद रखिएगा, ऐसे सेंटेंस में यहाँ सवाल चिन्ह नहीं लगाएंगे, 100% गलत हो जाएगा। तो बोलिएगा, सर बीच में तो कहाँ आया, नहीं, ये जो कहाँ है एक प्रकार का आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, ओके? ये क्या चीज़ का काम कर रहा है, कंजंक्शन का, यानी यह 2 सेंटेंस था, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, तो हम यहाँ पर ये गलत कर देंगे। अब देखिए, वेयर सी, देखिए उपवाक्य ये आपका यहाँ से यहाँ आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाउज, और ये जो है इट इज नोन, यहाँ इट छुपा हुआ है, ओके? इस जगह इट छुपा हुआ है, यहाँ पर इट बोल देंगे, ये छिपा हुआ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इट इज नोन नॉट नोन, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। एक सेंटेंस में समझा दे रहा हूँ, बाकी बाद में थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, ये जो है इसी को हम उपवाक बोलते हैं, और ये है मेन वाक। उपवाक में कंजक्शन रहेगा और इसमें कंजक्शन नहीं रहेगा, इट इज़ नॉट नॉन, कंजक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज। क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, उसको वाक्यांश हिंदी में बोलते हैं, वाक्यों का अंश। नाउ देखिए, वह कब लौटेगी यह अनिश्चित है, व्हेन्स वह कब लौटेगी, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, चूँकि लड़की है। When she will return is uncertain, वह कब लौटेगी यह अनिश्चित है, तो it is uncertain यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में थर्ड में क्या बनाएंगे, वह क्यों उदास रहती है, यहाँ पर क्या होगा, यह एक रहस्य है। Why she is sad, वह क्यों उदास है या रहती है, इज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। नेक्स्ट में क्या है बच्चे, आप चौथा देखेंगे, वह क्या करता है यह मालूम नहीं है। आप मान लीजिए कहीं गए हैं, बच्चे आपसे पूछ रहे हैं आपके अंकल क्या करते हैं, तो बोलिएगा वह क्या करते हैं मालूम नहीं है। या इस तरह का सेंटेंस बहुत सारे यूज होते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, देखिएगा, व्हाट ही डज इज नॉट नोन, वह क्या करता है मालूम नहीं है। चलिए 5वां नंबर आपको हम बताते हैं, 5वां नंबर में क्या है बच्चे, वह गरीब है यह सबको मालूम है, वह क्या है, गरीब है वह सबको मालूम है। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी रहेगा तो सबसे पहले दैट लगाइएगा, क्यों,
यहाँ पर का ये रहा है सेंस कि वह गरीब है, यह सबको मालूम है, इसलिए यहाँ दैट लगा। इसका हिंदी हो जाएगा कि ओके, कि वह गरीब है यह सबको मालूम है। ओके नाउ सी, तो इट इज नोन टू ऑल हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा दैट ही इज पुअर, कि वह गरीब है। ओके यहाँ पर हिंदी इसका की हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदी में थोड़ा सा दूसरा बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा दूसरा है। यहाँ पर की वह गरीब है, यहाँ पर दैट का यहाँ पर की होगा। ओके क्लियर हो गया ना, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी गोल है यह सबको मालूम है, इस तरह का सेंटेंस भी आप बोलते हैं, दैट द अर्थ इज राउंड, राउंड मतलब गोल, इज नोन टू ऑल मतलब सबको मालूम है। नाउ सेवन नंबर देखिए, मैं कहाँ ठहरूंगा यह तय नहीं है। सपोज आप रांची चले गए हैं, आपको मालूम नहीं आप कहाँ ठहरेंगे, तो आप बोलेंगे अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से कि मैं कहाँ ठहरूंगा यह मालूम नहीं है, तो आप उस समय बोलेंगे वेयर आप, वेयर सेल, वेयर आई सेल स्टे यू नो इज नॉट डिसाइडेड, कहाँ मैं ठहरूंगा ये मालूम नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्या है, वह क्यों हंस रही है यह मालूम नहीं है। व्हाई सी इज लाफिंग इज नॉट नोन, वह क्यों हंस रही है मालूम नहीं है। नाइन नंबर देखिए, वह ईमानदार है यह सबको मालूम है। दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल, दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल, यह सबको मालूम है। वह क्या लिखता है यह स्पष्ट नहीं है। व्हाट ही राइट्स इज नॉट क्लियर, क्लियर मने आपका हो सकता है मने विजिबल, हो सकता है रीडेबल नहीं हो, ऐसी सेंस में आप ये आपने देखा कि एक से लेकर मैं 10 सेंटेंस अभी आपके सामने बनाया, और ये 10 सेंटेंस बिलीव मी मेरे पर आप विश्वास करो बच्चे, ये 10 सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे प्रैक्टिकल जीवन में। हम रोज़ाना इस तरह के सेंटेंस को हम यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, या लिखने में, या पढ़ने में, या बोलने में, या इस तरह का सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप इंग्लिश का कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, या कोई नॉवल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस या आपको हिंदी में या आपको इंग्लिश में कंफर्म रहेगा। आप मान लीजिए अफिडेविट वगैरह करवाते होंगे, उसमें भी वकील साहब लोग इस तरह की चीज लिखते हैं। ठीक है, तो इसका यूज जो है बहुत होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और कहीं आप जाइएगा नहीं, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। काइंडली वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, और लाइक ई कॉमर्स जोन, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके सब्सक्राइब करें, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।